जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज का काफिला कई प्रांतों का दौरा करने के बाद वापस आश्रम लौट रहा था। एक दिन के बाद ही होली का त्योहार था। स्वामी जी महाराज ने रास्ते में एक आदमी को रोक कर कहा कि अरे भाई, ये गोद में क्या लिए जा रहे हो? तो उस आदमी ने स्वामी जी महाराज की तरफ देखा और बोला कि कल होली का त्योहार है महाराज, इसी के लिए इसे लिए जा रहा हूँ। उस आदमी की गोद में एक बकरी का छोटा बच्चा था, जिसे वह होली के मौके पर काट के खाने के लिए ले जा रहा था। स्वामी जी महाराज ने उस आदमी से कहा कि जिसे तुम काटने के लिए ले जा रहे हो, पिछले जन्म में यह तुम्हारी माँ थी। तो वह आदमी स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से ऐसी बात सुनकर सन्न रह गया। और जब सारा हाल उसे स्वामी जी महाराज ने बताया, तो वह आदमी स्वामी जी महाराज के चरणों पर गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और फिर कभी किसी जीव को न मारने की सौगंध खाई। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। उनकी शरण में जाने पर ही सारी शंकाएं समाप्त होती हैं। हम अज्ञानता के वश में, अहंकार में, झूठी ठकुराई में महात्माओं की शरण में जाते ही नहीं हैं और उनकी बातों को न मानकर अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ते हैं। जय गुरुदेव।